सुनाई हाजी कला निकल सो है गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, अभी सुबह के बज रहे 8:30 एंड गाइज अभी मैं नहा वहा कर बिल्कुल फ्रेश हो गया। और गाइज आप लोग ने कल के वीडियो पे काफी प्यार दुलार बरसाया, बहुत अच्छा लगा। गाइज भाभी जी का डांस आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा बहुत इंजॉय हम लोग कर लेते हैं। भाभी जी जब गुस्सा आती है तो वैसे करती है। और गाइज इसका तो अभी टाइम गया, सेकने का मन ही नहीं कर रहा क्योंकि गर्मी आ गया गाइस। तो आज का अपना प्यारा सा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं एक नया दिन के साथ। और गाइस यहाँ पे देखिए मेरा प्यारा सा बेटा छोटू। छोटू गुड मॉर्निंग बोल दो। तो गाइस अभी देखिए बाबू सुबह सुबह होमवर्क कर रहा, इसको अच्छे तरीके से लिख देना ठीक है। सही में क्या बाबू? तो गाइज अभी चलते हैं घर में। आज प्रणाम, खुश रहो बाबू, खुश रहो। और गाइज इधर देखिए भैया जी का एंट्री हो रहा, भैया जी भी आज नहा वाली हैं। प्रणाम भैया जी। खुश रहो बाबू। नहा लिए? कल भाभी जी तो झगड़ा कर रही थी आप लोग से, कैसा लगा? तो गाइस भैया भी बोल रहे हैं ठीक है। यहाँ से मम्मी जी जल भर रही हैं, मम्मी जी रेडी होकर और आ गई, तो मम्मी जी को प्रणाम करते हैं। खूब सुखी रहा बाबू, खूब खुश रहा तो, और खूब लंबा उम्र रखा। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आओ हमारे साथ, हम लोग मिलकर पूजा करना बच्चों। पूजा करने जा रही है। हम तो पूजा कर चुकी, माता रानी भोलेनाथ से दुआ मांगती हैं, हमारे बच्चे खूब कुशल मंगल सहो का, खूब जितना हमारे दर से देखते हैं, नन्हे मुन्हे बच्चे देखते हैं, सरस्वती माता सबको घर में बरकत करा, सबको रोजगार में बरकत करा, हमारे बच्चे सब खूब आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े। और गाइस इधर देखिए बाबू, भाभी दरवाजा बंद कर दी। गुड मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग भाभी से मिलिए, भाभी गुड मॉर्निंग। सो गाइज आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो ये दिख रहा है मेरा इंस्टाग्राम आईडी दीपू चौधरी 38, आप लोग फॉलो करके जल्दी से 2000 फॉलोवर उस पे भी कंप्लीट करा दीजिए गाइज। सो मम्मी जी अभी एक टॉफी लेकर आई है, वो भी छोटू दिया है, तो बाबू रो रहा है कि जल्दी से खिला दो मुझे। लो बेटा, लो 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 लो, इसके अंदर घोटाने जाए, ऐसे ऐसे कर दो। तो गाइज देखिए अभी कैसे कर रहा है, अंदर घोटना मत। तो गाइज देखिए बच्चे लोग टॉफी के लिए बहुत ज्यादा रोते हैं, हम लोग भी जब छोटे रहते थे पढ़ने जाते थे तो 1-2 रुपया मिलता था तो गाइस माल्टम वाला टॉफी लेकर जाते थे। नहीं मम्मी जी, हाँ, लोग हम लोग इतना बड़ा बड़ा थे। हाँ टॉफी, मम्मी पैसा दो, हम तो नमकीन खाएंगे, टॉफी खाएंगे, माल्टम जो बोलता है, माल्टम टॉफी चल रहा था। आप लोग बताइएगा कौन कौन माल्टम टॉफी खाए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चारियाना भी चलाए हैं। तो गाइस देखिए भैया जी बिस्किट भी पैसा चलाए हैं। हम चार आना जब हमको थोड़ा बहुत होश हुआ गाइस तो चलता था, जैसे अब हमको याद आता है गए थे मिठाई लेने तो बंदा बोला था कि नहीं बंद हो गया है, तो चार आना आठ आना दोनों हम चलाए, उसके बाद अब तो 1 रुपया की जमाना आ गई है। तो बच्चों बात मानना अपने भैया जी को, एकदम बारंबार कह रहे हैं कि हमारे दीपू भाई के सपोर्ट करो, तो नन्हे मुन्ने तो गाइस सपोर्ट करिए आप लोग। सो आ गया हूँ अभी छत पे धूप सेकने के लिए, एंड गाइस यहाँ इतना जोर से धूप लग रहा कि नीचे जाने का मन करा, सुबह सुबह ही इतना तगड़ा धूप हो जा रहा, ठंडी तो गाइस गया एकदम। मम्मी जी हल्दी डाली है, इसको धूप में सेखा देते हैं। एंड गाइस यहाँ पे सारा कपड़ा भाभी जी फिर दी है, पसार दिया गया सुबह सुबह। एक प्यारा सा व्यू देखिए हमारे गांव का गाइस, ये देखिए सारा घर टूट गया है। चलते हैं नीचे, और इधर मम्मी जी बाबू को खिला रही हैं। क्या हुआ? ये तो पैसा मांगते हैं दुकान में जाने का टॉफी किनने के लिए। तो ये देखिए हमारे घर पे एक नया मिक्सर, नहीं मम्मी जी पुराने जमाना वाला ना, पुराना जमाना का है, ये भी जमाना में चलता है, ते मिक्सर है, चारों चार भरने के लिए इसमें मसाला कूटे जा रहे हैं। तो अभी पानी गर्म हो गया, भाभी जी गर्म कर दी थी, क्या हुआ किस लिए गर्म हो रहा? ये तो पानी गर्माती है कि
की बाबू का नहवाने के लिए आप कान तो बड़े बाबू से झगड़ा किए हैं तो बाबू तो नहा कर रेडी हो गए हैं। अब बहुत सफाई हमारी बहू करती है, बहुत सफाई करती है। कल के वीडियो में आप लोगों ने तो काफी इंजॉय किया था। भैया जी आज नहा लिए और भाभी जी भी, भाभी जी बहुत डांट मारी थी, गाइस सुबह सुबह भैया नहा लिए। तो गाइस ऐसे मतलब भैया पुष्पा राज जी के गले से। भैया जी का भाभी का डायलॉग आप लोग का कैसा लगा? भैया कैसे एक बार और बोलिएगा। गाइस मजा आ जा रहा है कल से। पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। तो गाइस दादाजी उधर हंस रहे हैं, बहुत ही इंजॉय हम लोग करते हैं, सुबह सुबह मजा आ गया। दादाजी सो दादाजी भी आ गए, दादाजी भी डायलॉग बोलेंगे, सुन के हंस रहे हैं गाइस। दादी कैसे बोलिएगा? पुष्पा राज झुकेगा नहीं। तो गाइस पुष्पा राज झुकेगा नहीं। मम्मी कैसे दादा बोल रहे हैं? पुष्पा राज झुकेगा नहीं। ये तो दादा बोल रहे हैं पुष्पा राज झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। गाइस काफी इंजॉय किया हम लोग, बहुत ही मजा आया। एंड अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, सुबह सुबह ही हम लोग काफी इंजॉय कर। तो इधर रितेश भी आ गया, क्या बोल रहे हैं बाबू? पुष्पा राज झुकेगा नहीं। तो गाइस अभी सारी लोग एक्टिंग करने वाले हैं, पुष्पा राज झुकेगा नहीं। तो गाइस बहुत मजा आया, क्या आप लोग को पता है, थोड़ा बहुत एक्टिंग करने का मन कर रहा था तभी हम लोग कर दिए, पुष्पा राज झुकेगा नहीं। तो इधर देखिए भैया जी अभी सत्यम का पिटाई करने जा रहे हैं। क्या कर रहा है बेटा? क्या हुआ? और गाइस बहुत अच्छा लगता है, ऐसे हम लोग सब लोग हैप्पी रहते हैं। आप लोग भी अपने घर में हैप्पी रहा करिए गाइस। बाबू खा रहा आलू, क्या है बेटा दिखा क्या है? सो मम्मी जी नाश्ता बना दिए बच्चे, हम लोग बेसन की सब्जी बनाई है, चावल सब्जी। और गाइस ये देखिए मम्मी जी बना दिए बेसन का सब्जी, दादाजी उधर बैठ गए खा पी के अपने अपने कार्य जा, सब टाइम हो गए, कुछ बाहरों कार करो सभी। मम्मी जी आज का काम क्या है? आज का काम क्या है? हम तो काम बता रहे हैं, आज के काम ये है कि पिपरामिंट के ओधी पौधे ले आ दो, वो तो पिपरामिंट के पौधे गिर जा। और गाइस इधर भैया बैठ गए, आज कहाँ जाना है आपको? तो दादाजी को पानी दे देते हैं, भैया जी को भी दे देते हैं। तो मम्मी जी का ब्रेकफास्ट निकल गया और गाइस मम्मी जी को खिला रहे हैं अपने प्यारे से हाथ। गाइस आप लोग भी अपने मम्मी पापा खिलाया करिए, नहीं मम्मी जी? हाँ हाँ बच्चों, ऐसे अपने माँ पिता कर सेवा आप लोग करना, खूब अच्छे से अपने माँ पिता के बात मानना। Few moments later. So guys अभी 5:26 हो गए हैं और भाभी जी यहाँ पे चावल चढ़ा दिए। और गाइस देखिए बाबू अभी कितना क्यूट लग रहा बेटा, काजल उजल लगा दिए भाभी जी। तो अभी देखिए भाभी जी चावल धुल रही हैं। और गाइस यहाँ पे भैया बैठे हैं, क्यों शरारत कर रहे हो? क्या हुआ जी, क्या हुआ भैया? सो रात को भैया जी बाबू लोग को पढ़ा रहे हैं। चाचा क्या पढ़ाए हैं अंकल जी? हम फोन करते हो सुनाए? हाँ सुनाओ, फोर सुनाओ, फोर भैया इधर इधर हो जाओ, ऐसे हो जाओ। तो गाइस अभी रितेश सुनाने वाला है फोर का टेबल, चलो सुनाओ। फोर वन जा फोर, हाँ टू जा एट, फोर थ्री जा टू एट, फोर फोर जा सिक्सटी, फोर फाइव जा ट्वेंटी। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो गाइस अभी देखिए छोटू कैसे देख रहा है आपको, टेबल याद है? टेबल याद है? सुनाओ टेबल। टू वन जा टू, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ऐसे पढ़ो। हमको थ्री तक याद है। आपको थ्री तक याद है, कल आपको फाइव तक पूछेंगे, फाइव तक याद करना है, ठीक है? आपको सारा दिन काम करना है, बहुत ज्यादा काम है, तो हम सब लोग मिलकर रात का सामान लेती हैं, दिन का
संभाल लेती हैं और वीडियो में आना है तो काम नहीं शाम को करेंगे। गाइज कल वीडियो नहीं आया ना, जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था गाइज, का है आप लोग को बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि कितना रोल हो गाइज, इतना बुरा लगता है ना, सीरियसली बता रहा हूँ। ब्लॉग नहीं आता, मैं सोचता हूँ कि अगर एक दिन खाना ना खाऊं लेकिन फिर भी वीडियो बनाए, मम्मी बहुत बुरा लग रहा है। हमको भी बहुत अफसोस हुआ है, वीडियो नहीं छूटा है। तो गाइज अभी देखिए छोटू और बाबू में प्यार, देखा छोटू कैसे प्यार किया जाता है, कैसे थारा भाई जोगिंदर करते हैं। सो अभी रात के 12:57 हो गए एंड गाइज एडिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। सो इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, होप करते हैं गाइज आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। भाई किस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। गाइज ये दिख रहा है मेरा इंस्टाग्राम आईडी दीपू चौधरी 39, आप लोग उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, लव यू।